आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस, जब भी मैं फ़ोन पे से किसी को पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ तो गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है, जैसे कि कॉल नॉट इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन प्लीज़ ट्राई अगेन। अगर आपको भी यही एरर आ रहा है तो आप लोग किस तरीके से इस एरर को सॉल्व कर सकते हो गाइस, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेना है। सबसे पहले इसको कर देते हैं मिनिमाइज, ठीक है। इसके बाद फिर से दोबारा से पे पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे करता हूँ तो गाइस यही एरर आ रहा है, देख सकते हो गाइस यही एरर आ रहा है। अगर आपको यही एरर आया यानी ठीक करना तो गाइस कैसे कर सकते हैं आपको पता नहीं है तो परेशान नहीं होना है। सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है आप लोग फोन पे, ठीक है। हम फोन पे टाइप कर देते हैं। फोन पे टाइप करने के बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है फोन पे, और आपको चेकआउट कर लेना कि आपका फोन पे अपडेट है या नहीं। मेरा फोन पे ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना, यहाँ पे लीव की जगह अगर आपको ज्वाइन मिलता है तो आप लोग ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद इसको मिनिमाइज कर लेना है। मिनिमाइज करने के बाद आपको अपना फोन पे एप्लीकेशन लॉक फ्रेस कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे मिलता है ऐप इन्फो पे आ जाना है। ऐप इन्फो पे आ जाने के बाद यहाँ पे आता कुछ इस तरीके का इंटरफेस। इसके बाद आपको परमिशन पे क्लिक कर लेना है। दैट इज परमिशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको सब परमिशन को अलाउ कर देना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ अलाउ कर देते हैं, और यहाँ पे मैंने कई परमिशन ऑलरेडी अलाउ कर रखा है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। इसके बाद आपको बैक आ जाना है। इसके बाद यहाँ पे देखना है स्टोरेज एंड कैच, इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद नीचे साइड में दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे क्लियर स्टोरेज क्लियर कैच, तो आप क्लियर कैच कर देना, क्लियर स्टोर मत करना, ठीक है। इसको मिनिमाइज करना, इतना करने के बाद मिनिमाइज करने के बाद फिर से आपको अपना गूगल पे फोनपे को ओपन करना है। फोनपे ओपन करने के बाद आपको अपने देखने मिलता है 2 मोबाइल नंबर, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको जितना अमाउंट किसी को भेजना है उसको नंबर डाल देना, ठीक है। नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे नंबर आ जाता है। इसके बाद आपको जितना अमाउंट भेजना है उसको यहाँ पे डाल देना, जैसे मैं 1 रुपये डालता हूँ तो ऐसे मैं यहाँ पे 1 रुपये डालता हूँ। इसके बाद पे पे क्लिक करता हूँ। पे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है, नजर देख सकते हो ऐसे यहाँ पे एम पिन डालने के बोल रहा, तो एम पिन डालने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा, तो अगर आपने यहाँ पे डालना चाहते हो यानी कि किसी को भेजना चाहते हो तो एम पिन डाल के आप भेज दीजिएगा, ठीक है। बस बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जो जानकारी आप जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।